ये नजर आ रही है सबको? ठीक है माशाल्लाह। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेसन में पढ़ा था फेल मारूफ के बारे में, यानी वो फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। आज हम पढ़ेंगे फेल मजहूल के बारे में। फेल मजहूल जो है ये किस फेल को कहते हैं? सबसे पहले इसकी तारीफ कि फेल मजहूल वो फेल है जिसका फाइल यानी करने वाला जो है वो मालूम ना हो। जैसे फेल मारूफ में हमने पढ़ा था कि जिसके करने वाले का हमें पता चल जाए कि काम करने वाला कौन है, इसी तरह बिल्कुल उसके ये ऑपोजिट है। फेल मजहूल वो फेल है जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो। अक्सर जैसे हम तजवीद में हम पढ़ते हैं ना कि कुछ ऐसी हरकात हैं जिन्हें मारूफ पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसी हरकात हैं कि अगर हम उन्हें मजहूल पढ़ते हैं तो उनके माने जो हैं वो बदल जाते हैं। ये सुने होंगे ना आपने अल्फाज मारूफ और मजहूल? जी बिल्कुल। फेल मजहूल वो फेल है जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना नहीं। हो। अब इसकी मिसाल, जुरीबा जईदुन, जुरीबा जईदुन, जैद मारा गया। अब इस मिसाल में ये तो हमें पता चल गया है कि जैद जो है वो मारा गया। अब हमें ये नहीं पता कि उसको मारने वाला कौन है, कैसे मारा गया। मतलब एक मजहूल बात, एक छुपी हुई बात है जिसकी वजाहत नहीं हो रही कि जैद कैसे मारा गया। समझ आ गई बात? जी बिल्कुल। जैसे हमने मारूफ में पढ़ा था जाराबा जैदुन, उसका क्या जैद तर्जमा हमने किया था? ने मारा। जैद ने मारा, मतलब मारने वाला साफ साफ हमें वाजे हो रहा है कि जाराबा जैदुन जब हम कहेंगे उसमें फौरन पता चल जाएगा कि जैद ने मारा। जब काम करने वाला जाहिर हो जाता है तो उस फेल को क्या कहा जाता है? फेल मारूफ बिल्कुल मारूफ। और यहां मिसाल है जुरीबा जैदुन, जैद मारा गया। अब जैद को किसने मारा ये हमें नहीं पता, मतलब मारने वाला जो है वो यहाँ जाहिर नहीं, छुपा हुआ है। नहीं हो रहा। बिल्कुल, वो मजहूल है, वो छुपा हुआ है। तो वो फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो वो फेल क्या कहलाता है? फेल मजहूर मजहूल। बिल्कुल माशाल्लाह। अब हमने ये सीख लिया कि फेल मजहूल जो है इसकी तारीफ क्या है, वो फेल है जिसका फाइल यानी करने वाला मालूम ना हो। मिसाल, जुरीबा जैदुन, जैद मारा गया। इसी तरह जब हम गर्दान करेंगे फेल माजी मारूफ की, जो गर्दान होगी उसका सीगा जाराबा से शुरू होगा, और जो फेल माजी मजहूल की गर्दान होगी उसका सीगा जुरीबा। जुरीबा बर वजन जाराबा, बर वजन फाला, और जुरीबा बर वजन फुईला। ये सीगे भी आप याद रखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इसके बाद कुछ और मिसालें जो हैं वो हम समझते हैं फेल मजहूल। जैसे कि हमने फेल मजहूल की तारीफ पढ़ी कि फेल मजहूल वो फेल है जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो। अब इसकी कुछ इमसाल हैं। इमसाल, जैसे कि हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जमा का है, एक हो तो मिसाल, ज्यादा हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इंसान इमसाल इंसान कहेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। अब सबसे पहली मिसाल जो है, फुतिहल बाबू, दरवाजा खोला गया। फुतिहा जो है फातहा यफ्ताहू से है, इसका मतलब होता है खोलना। बाब अरबी में कहा जाता है दरवाजे को। फुतिहल बाबू, दरवाजा खोला गया। अब हमें ये तो पता चल गया दरवाजा खोला गया, ये नहीं पता कि दरवाजा खोला किसने। खोलने वाला जो है वो इसमें मजहूल है, वो हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए ये जो मिसाल है ये फेल मजहूल की मिसाल है, यानी इसमें जो फाइल है वो छुपा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि दरवाजा किसने खोला। ये पता चल गया कि दरवाजा खोला गया,
ये नहीं पता कि दरवाजा खोलने वाला कौन है, मतलब इसका जो फाइल है काम करने वाला है वो मजहूल है, तो ये मिसाल फेल मजहूल की हुई, फुतिहल बाबू दरवाजा खोला गया। इसी तरह दूसरी मिसाल, नुसीरल मजलूमू। अब नुसीरा नासरा यंसुरू से है, जिसका मतलब होता है मदद करना, मजलूम जिस पे जुल्म किया जाता है, नुसीरल मजलूम मजलूम मदद किया गया। अब मजलूम मदद किया गया मतलब कोई मजलूम शख्स था, उसकी मदद की गई, हमें ये नहीं पता कि मदद करने वाला कौन है, मतलब फाइल जो है वो मालूम नहीं है, तो ये मिसाल भी फेल मजहूल की हुई। इसी तरह मिसाल नंबर 3, कुतिलल सारिकु। अब कुतिला कत्ल करना, सारिक कहते हैं चोर को, कुतिलल सारिकु चोर कत्ल किया गया। अब हमें मिसाल से ये समझ आ रही है कि चोर कत्ल किया गया, चोर को कत्ल करने वाला कौन है ये हमें नहीं पता, मतलब जो फाइल है वो मजहूल है, वो मालूम नहीं है, तो ये मिसाल भी फेल मजहूल की हुई। अब इन तमाम मिसालों से हमने क्या समझा कि फेल मजहूल जो है वो फेल है जिसमें फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो, उसका पता ना चले कि काम किसने किया है, काम करने वाला कौन है, तो वो फेल मजहूल होगा। सबको समझ आ गई फेल मजहूल की? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, फेल मजहूल कौन सा फेल है जिसमें फाइल मालूम ना हो। फाइल मालूम ना हो, फाइल जो है वो मजहूल हो, ठीक है? छुपा हुआ बिल्कुल माशाल्लाह, सबको समझ आ गई फेल मजहूल की? जी। बिल्कुल माशाल्लाह। और फेल मजहूल जो है ये, इसका पहला सीगा किसके वजन पे होगा? फोला आला के वजन फुइला। पे उला नहीं, तो गला बिल्कुल फुइला के वजन पे होगा, ठीक है? फाला जो है इसके वजन पे होगा फेल मारूफ। फेल मारूफ जो गला हमने, बिल्कुल। और फेल मजहूल जो है वो होगा किसके वजन पे? फोइला फुइला। फोइला बिल्कुल माशाल्लाह, फुइला। ये पहला सीगा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? फाला जो है किया और किया गया, ठीक है? फाला किया, फुइला किया गया। देखे ना, ये सारे सीगों के आखिर के तर्जमे में गया आ रहा है ना, जी नजर आ रहा है सबको? जी आ रहे जी बिल्कुल। जब हम कह, ठीक है, आप समझ आ गई सबको, ठीक है? फेल जी मारूफ में हमेशा किया, और फेल मजहूल में हमेशा, तर्जमा क्या आएगा? किया गया किया गया, बिल्कुल। फेल मारूफ जो, बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है? और फेल मारूफ में हमेशा काम करने वाला क्या होता है? मालूम मालूम होता है मालूम होता है होता है, बिल्कुल माशाल्लाह। ये आपका आज का लेसन है, ठीक है? फेल मजहूल जो है उसकी हमने तारीफ पढ़ी, मिसालें पढ़ी, और कोशिश कीजिएगा कुरान करीम से तीन तीन जो है इसकी मिसालें जो है ना वो आप लोग ढूंढ के वो शेयर करें, ठीक है? ताकि आपको ओके आइडिया हो जाए कि कुरान में फेल मजहूल कहाँ है, कौन से सीगा जो है उसमें फेल मजहूल पाया जाता है। कर लेंगे तीन तीन मिसालें? जी बिल्कुल माशाल्लाह। आपने जी फू इला के वजन पे ढूंढना है, ठीक है? फू इला जो भी होगा, सिर्फ फू इला, इससे आगे नहीं जाना। आगे जाएंगे फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम एक एक सीगा कर रहे हैं ना, ठीक जी है? बिल्कुल इंशाल्लाह। आज के लेसन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? सबको समझ आ गई? जी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मिसाल जो समझ ना आई हो? नहीं टीचर आ गई है इंशाल्लाह सबको आ गई? जी ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। ये आपका आज का लेसन है, कोशिश कीजिएगा तीन तीन मिसालें जो हैं वो कुरान करीम से आप ढूंढें और उसको आप ग्रुप में शेयर करें। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।